जिला सिवनी के ग्राम पंचायत बिछुआ में भ्रष्टाचार है। आधे गांव बिछुआ पंचायत में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अजब है, गजब है। जनपद पंचायत लखनादौन के ग्राम पंचायत बिछुआ में हो रहा है भयंकर भ्रष्टाचार, मगर अधिकारी सोए हैं कुंभकर्ण की नींद। लोगों द्वारा कहा गया कि इस ग्राम पंचायत में अनेक प्रकार के घोटाले सामने आ रहे हैं, जिसे हमारे द्वारा देखने सुनने पर हमारे होश उड़ रहे हैं। इस ग्राम पंचायत में गरीब अशिक्षित लोगों को सरपंच सुखमान सल्लाम, सचिव रेखा मरकाम, सहायक सचिव हरिराम डेहरिया महोदय के द्वारा बेवकूफ बना करके पैसा निकाला जाता है, परंतु बार बार शिकायत करने के बाद भी शिकायतकर्ताओं को क्यों नहीं मिल रहा है न्याय। इस ग्राम पंचायत में अनेक प्रकार के घोटाले सामने आए हैं, जैसे सहायक सचिव ग्राम पंचायत का सरपंच ग्राम पंचायत के शिक्षक और कोटवार एवं जेल में बंद अपराधी के नाम से भी हाजिरी डाल करके मनमर्जी से पैसा निकाला जाता है। उसके बाद भी इन भ्रष्टाचारी के ऊपर कोई भी अधिकारी गौर तलब नहीं कर रहे हैं। हितग्राहियों का कहना है कि क्या हमें शासन प्रशासन दिला पाएंगे न्याय, क्या हमें फिर से न्याय की भीख के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। जिला ब्यूरो विमल चौबे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार डेहरिया। क्या दिक्कत? मटारी ग्राम पंचायत बिछुआ। हमारे इधर हमारी पंचायत में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। हमारे गांव के कुछ अनपढ़ कम पढ़े लिखे को अज्ञान लोगों को बेवकूफ बनाकर हमारे इधर सरपंच सचिव सहायक सचिव जितना फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, उन फर्जीवाड़ा की हम भ्रष्टाचार का हम उजागर करते हैं। जब जनपद पंचायत से कुछ अधिकारी आते हैं जांच के लिए, तो वो अधिकारी वो भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के ऊपर सही जांच न कर उल्टा हम लोगों के ऊपर दबाव डालते हैं, जिससे कि हम आगे कार्रवाई न कर सकें, हम आगे कदम न बढ़ा सकें, हम जो भ्रष्टाचार को उजागर न कर सकें। इसलिए वो हमको दबाव डालते हैं। हम दबाव में नहीं रहना चाहते, हम भ्रष्टाचार का उजागर करेंगे, करते रहेंगे। हम लोग इतने शिकायत कर रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं कि जेल में बंद, अब 1.5 साल से जेल में बंद अपराधी के नाम से हाजिरी डाली जा रही है। यह भी नियम विरुद्ध है, क्योंकि वो है ही नहीं यहाँ। और दूसरी चीज़, रोजगार सहायक स्वयं के नाम से हाजिरी डालता है। रिटायरमेंट शिक्षक के वर्तमान शिक्षक इनके नाम से हाजिरी डिमांड डाली जाती है। रिटायरमेंट शिक्षक के नाम से शौचालय बनाया जाता है। किसकी मिलीभगत से हो रही है जी? सारा सरंश ये तो जनपद पंचायत के APU साहब हैं के मिलीभगत से हो रहा है, क्योंकि वो लोग APU साहब जो हैं हमको धमकाते हैं, बहुत धमकाते हैं। क्या बोलते हैं सरपंच? और इसलिए कहते हैं हम, सर सरपंच साहब हमारे गांव में अभी वर्तमान में पंचायत में जो सरपंच है, प्रधान है गांव का, उसके नाम से भी अभी इसी वर्ष नया जॉब कार्ड बनाया गया है स्वयं के नाम से। क्या नाम है सरपंच महोदय? सरपंच का नाम है सुखमान सल्लाम, पिता का नाम उसका मोहन। उसके नाम से डिमांड भी डाली जा रही है अभी दो महीने पहले भी। उसको आपकी ग्राम पंचायत बिछुआ सचिव का नाम क्या है? सचिव का नाम है रेखा मरकाम, सहायक सचिव का नाम है हरिराम डेहरिया, वो सरपंच लेखराम कुशवाहा द्वारा हमको इसलिए धमकी दी जाती है। वो हमको जात पात का भेदभाव भी करता है, क्योंकि वो अदर में है, हम SC हैं, तो हम लोगों को वो क्या थोड़ी छोटी निगाह से करता है। इसलिए हम उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाते, क्योंकि वो बड़ा आदमी ही गाँव का। क्या चाहते हो आप लोग? हम तो न्याय चाहते हैं, और न्याय अब ऐसा चाहते हैं कि लखनऊ के अधिकारी जो आते हैं APU साहब, वो तो हमको दबाव देकर चल जाते हैं कि जिले के भ्रष्ट अधिकारियाँ या संभाग के भ्रष्ट अधिकारियाँ हैं, और जितना बड़ा घोटाला हो रहा है, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, वो सब दस्तावेज हमने पास रखे हैं। अधिकारियाँ हम जितना हम जो बोल रहे हैं उसका सब साक्षी प्रमाणित हम करेंगे, सिद्ध करके देंगे। धन्यवाद। क्या नाम भैया आपका? सर मेरा नाम आशीष कुमार अरपाचे है। पिताजी के नाम से मेड़बंधन स्वीकृत हुई थी, जिसमें सिमुलाल डहरिया मेड़ द्वारा डाली गई फर्जी हाजिरी, जैसे अनेक प्रकार के घोटाला हमारे सामने आ रहे हैं, जिसे हम देखकर हमारे देखने सुनने में होश उड़ रहे हैं। जैसे कि सरपंच सुखमान सल्लाम के नाम से खुद का नाम से डिमांड हाजिरी डाली जा रही है, जैसे हरिराम सहायक सचिव, जैसे कि शिक्षक लोग कोटवार शासकीय लोगों के नाम से डिमांड मास्टर रोल डाली जा रही है, जिस कारण हम
हमारे शिकायत करने के उपरांत भी कोई जांच नहीं हो रही है। हम बहुत हैरान हैं। हम जांच के लिए लखनदौन पंचायत से अधिकारी आते हैं, जो उल्टा दवा हम शिकायतकर्ताओं को देते हैं। हमें शक भय ये हो रहा है कि वे लोग इस चीज़ से लुप्त होंगे, इसलिए वे जांच में सही सही हमको न्याय नहीं मिल रहा। न्याय कौन सी पंचायत से हो आप? सर, बिछुआ पंचायत से।